फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर स्टैटिक्स, और इसके क्वेश्चन रहेंगे हमारे 96 से 115। ठीक है, जो 500 क्वेश्चन हमको करने हैं ना, तो उसके अंदर 20 क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर के है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एयरफोर्स और एनडी एग्जाम जो होना है 2021 के अंदर अप्रैल में, उसके अंदर आ सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से और ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहला है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। अर्थमेटिक मीन होता है आपका कि जितने भी नंबर हैं उनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो सम है, अगर हम इनका सम करें NC0, NC1, NC2 ऐसे कर करके, अगर हम इनका सम करें और इसको डिवाइड कर दे किससे, N से, तो आपका क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। और अगर हमको थोड़ा सा ध्यान हो कि इसका जो सम है वो क्या होता है, 2n होता है, पॉलीनोमियल का कंसेप्ट है ये, और डिवाइड बाय N, तो आपका आंसर क्या आ गया, ए आंसर आ गया। ठीक है ना, अगर सिंपल तरीके से आपको सोचे तो फिर करने में इसको क्या है, दिक्कत आपको आएगी। क्लियर, तो इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्म इंप्लॉइंग 30 वर्कर्स एंड पेइंग ऑन एन एवरेज 500 इज कंबाइंड विद अनदर फर्म इंप्लॉइंग 20 वर्कर पेइंग कितना है, 600। एवरेज पे बताना है कंबाइंड फर्म का। तो अभी बताइए 30 वर्कर का जो है वो कितना है, 500, तो कितना हो गया 15,000। ठीक है, कितना हो गया 15,000, और उसके बाद 20 वर्कर का कितना है, 600 रुपए, तो ये कितना हो गया 12,000। तो जो टोटल पे है वो कितना हो गया, 27,000, और जो टोटल वर्कर है वो कितने हो गए, 50। तो अगर हम एक वर्कर का अगर देखते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 540 रुपए, तो आपका जो है कंबाइंड एवरेज आ गया। ठीक है, सभी जो वर्कर है उनका पे डिवाइड बाय टोटल वर्कर, एवरेज पे आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने आपको बता रहे हैं, जैसे स्लाइड नंबर चल रहा है ना ये, तो एक नंबर ज्यादा चलता है ये आपने सा, तो जो भी स्लाइड नंबर उसे क्वेश्चन पीछे होगा, जैसे स्लाइड नंबर 4 है ये, तो क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा आपका, 3rd। ठीक है, इसी तरीके से तो मीन वेट जो है सभी स्टूडेंट्स का 60 है, और क्या बोलता है कि मीन वेट ऑफ बॉयज फ्रॉम द क्लास इज 70। ठीक है, जो टोटल एवरेज है वो 60 है, बॉयज का 70 है और गर्ल्स का 55 है, तो रेशो बता रहे। तो बहुत ही इजी ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। तो सबसे पहले देखिए बॉयज का टोटल एवरेज कितना है, 70। ठीक है, गर्ल्स का एवरेज टोटल एवरेज वेट जो है वो कितना है, 55। कंबाइंड जो एवरेज है वो कितना है इन दोनों का मिला के, वो है 60। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए यहाँ पे 70 और 60 का, और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए यहाँ पे। डिफरेंस लेना, प्लस माइनस नहीं देखना, तो बस ये आपका रेशो आ गया क्या, 1:1:2 आपका जो है आंसर आ गया, कि बॉयज और गर्ल जो है 1:2 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो ए सीरीज का दे रखा है, और आपको बी सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, और डाटा में देखिए क्या चेंज आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें डाटा के अंदर, इन्होंने पहले क्या कर रखा है, 1000 कर रखा है माइनस सभी में से, और उसके बाद डिवाइड कर रखा है किसे, 10 से। तो अभी बताओ 1000 से माइनस करोगे तो प्लस माइनस करने से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क आता है, नहीं, कोई फर्क नहीं आता प्लस माइनस करने से, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 10 से डिवाइड करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी कितने से डिवाइड हो जाती है, 10 से डिवाइड हो जाती है। 10 से डिवाइड बाहर हो रहा है, यानी कि अंदर रूट में जाके कितने से डिवाइड होएगा, 100 से, तो आपका आंसर क्या आ गया, बी आंसर आ गया, 0.38 का रूट हो गया बस। ठीक है, इफेक्ट देखना था कि प्लस माइनस का और मल्टीप्लाई डिवाइड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्लस माइनस का तो कोई इफेक्ट होता नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन पे, और मल्टीप्लाई डिवाइड का सेम इफेक्ट होता है। तो एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट है 15 ईयर इफ द टीचर एज इज इंक्लूड एवरेज इंक्रीज बाय 1। अभी देखो 20 स्टूडेंट है तो उनकी एवरेज तो कितनी है, 15 है, मतलब कि 300 है सबका टोटल। एक टीचर और आ गया तो टीचर के साथ मिला के कितने हो गए, 21, और एवरेज एज एक ज्यादा हो गई तो कितनी होगी, 16। तो अभी इनका टोटल करें तो कितना आ रहा है, इनका टोटल आ रहा है 16×2=32 और 16×3=36। तो जो एक्स्ट्रा एज है वो किसकी बड़ी होगी, टीचर की एज बड़ी होगी, तो 36 जो एज है वो टीचर की एज थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन 4 नंबर का 15 है और 6 नंबर का जो एवरेज है वो 12 है, तो सभी का एवरेज आपको बताना है, तो सभी का जो टोटल है वो 112 हो गया, और नंबर कितने आपके 10 है। ठीक है ना, 12×6=7×6=13, 132 हो गया, तो 10 का पर स्टूडेंट का कितना आ गया, 13.2, अगर इसको इससे डिवाइड हम करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका आपको पता ही होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो जो मीन है ये क्लासेस के अंदर जो बच्चे पढ़े हुए हैं मेरे से उनको मैंने बता रखा है, सबसे पहले तो मैंने इनको एक क्वेश्चन बता रखा है 2, 4, 6, 8, 10, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आता है 2.83 आता है। और मैंने बोला था एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसी टाइप से आता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता उस क्वेश्चन में, बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेना। अब ये देखिए अगर इन सभी में मैं 5-5 ऐड कर दूं तो यही बन जाएगा, और ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जो है 2.8 ही आएगा, क्लियर। और अगर ये चीज याद नहीं है फिर भी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है उसे भी हम निकाल सकते हैं, तो उस तरीके से भी मैं बता रहा हूं अभी, देखिए कैसे। तो पहले तो ये बताइए इनका मीन कितना आएगा, इनका जो मीन है वो आपका कितना आएगा। तो एपी में है तो मीन आएगा आपका 11, ठीक है, ये हो गया एक्स। अब करना पड़ेगा आपको डी एक्स, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है ना। तो माइनस क्या हो गया 4 - 2 - 0, 2 और 4, फिर करना पड़ेगा डी एक्स का स्केयर 16, 4, 0, 4, 16, टोटल आ गया 40। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन dx स्क्वायर डिवाइड बाय n का रूट। तो 40 डिवाइड बाय 5 रूट 8 और जो होता है 2.83। बेसिक से निकालना तो बेसिक से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि इफ द वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में है तो वेरियंस किस में आएगा। तो वेरियंस तो हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है, क्योंकि वेरियंस का रूट तो नहीं करते ना, रूट तो सिंपल रूट करके तो सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, लेकिन वेरिएंस स्केयर में होता है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर होता है नहीं, और समेशन डीएक्स स्केयर डिवाइड बाय एन होता है, तो स्केयर करना पड़ता है, तो स्केयर में आएगा। डेली इनकम ऑफ जो है वो 110 रुपए है, और ओनर की इनकम एक्सक्लूड कर दें तो रिमेनिंग 9 वर्कर की जो है वो 76 जो है बचेगी, ओनर की इनकम आपको बतानी। अभी बताओ 10 वर्कर की कितनी है, 110 है तो टोटल कितनी होगी 1100। 9 वर्कर की एवरेज कितनी है 76, अभी कितना हो गया 9×6=54 और 5×9=63 और 5×8=68 ये हो गया, यानी कि जो बची हुई है वो किसकी है, जो बची हुई है वो किसकी है, ओनर की है, तो कितना आ गया 416 रुपए, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये देखिए डाटा का जो वेरियंस है वो वी है, और अपने को वेरियंस इसका बताना है। अब ये देखो इसको क्या कर रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर रखा है किससे, 2 से। अब डाटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएंस कितने से मल्टीप्लाई होता है, 4 से, ठीक है, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 ऑब्जर्वेशन जो है उसका मीन 10 है, और 3 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 5, तो ये हो गया 70, ये 15, ये 85 और 10 जो है वो टोटल है नंबर, तो 8.5 ही आ गया। कंबाइंड मीन का क्वेश्चन हर बार मोस्टली ये मान लो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद है व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर विद वेटेज इटसेल्फ, मतलब कि देख लीजिए एक्स हो गया नेचुरल नंबर दे रखे हैं ऐसे, और इनकी वेटेज एफ जो दे रखा है वो इटसेल्फ यही दे रखा है, मतलब इनकी वेटेज भी यही है, तो एफ और एक्स करना पड़ेगा। एफ एक्स क्या आएगा 1×2×3×2 ऐसे आएगा ना, तो मीन क्या हो गया, मीन हो गया समेशन एन स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एन। तो समेशन एन स्क्वायर क्या होता है, n n+1 2n+1/6, और समेशन एन क्या होता है n n+1/2, तो जो कट रहा है वो कट कर दीजिए, तो ये आ गया 2n+1/3, और नंबर कितने दे रखे 16। अब 16 की वैल्यू पुट कर दो तो 16×32=33/3, तो कितना आ गया 11, 11 आंसर आ गया बस आपका, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। एन ओड नेचुरल नंबर का मीन बताना है, एन ओड नेचुरल नंबर का मीन, अब नंबर तो पता नहीं कितने हैं, ठीक है, तो वैसे मीन मैंने ये लिखवा भी रखा फॉर्मूला की एन आंसर होता है इसका, ठीक है, क्लासेज के अंदर फॉर्मूला लिखाया हुआ है, लेकिन कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, आप कोई भी ओड नेचुरल नंबर मान लीजिए, कितने माने कितने भी मान लो, जैसे कि 1 और 3 मान लो, वो नेचुरल नंबर है, अगर इनका एवरेज निकाल ले तो 4/2 कितना आ गया 2, ठीक है, और हमने कितने नंबर माने थे 2 माने थे ना, तो 2 मान के क्या आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है आपका, तो सभी ऑप्शनों में देखो 2 मान के 2 कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। कितने भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हो, जैसे कि 1, 3, 5, 3 नंबर माने तो कितना मीन आया 3, तो 3 पुट करके 3 कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 5, और अगर 2 ऐड कर देंगे, मीन में क्या होता है कि जितना प्लस माइनस करते हैं उतना ही इफेक्ट पड़ता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 ऐड किया तो 7 हो गया, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 21, तो 21 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, पहले ऐड किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। मीन पे क्या होता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस का सेम इफेक्ट जो है रहता है। उसके बाद बोलता है सम ऑफ डेविएशन दे रखा है और आपको एक्चुअल मीन बताना है, तो एक्चुअल मीन का फॉर्मूला होता है a समेशन dx डिवाइड बाय n। एक्चुअल मीन कितना है देखिए, यहाँ पे एक्चुअल मीन तो निकालना है, एज्यूम मीन कितना है 30 और समेशन dx कितना है 2 और कितने नंबरों से 20 नंबर से। तो क्या है कि ऑब्जर्वेशन 20 दे रखी है और इन्होंने देखो क्या पूछ रखा है, मीन पूछ रखा है, तो एज्यूम मीन से ये फॉर्मूला होता है और बाकी सारी डिटेल आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो ये 30.1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए के अंदर ही आया हुआ है, एयरफोर्स के अंदर भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियंस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, वेरियंस किससे इंडिपेंडेंट रहता है, तो प्लस माइनस का तो कोई इफेक्ट नहीं होता, जिसका इफेक्ट नहीं होता उसी को इंडिपेंडेंट बोलते हैं, और प्लस माइनस को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, तो ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है बट स्केल से नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड का तो इस पे इफेक्ट पड़ता है, तो ओरिजिन बट नॉट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 15, 20 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 15 है, तो टोटल कितना आ गया 300, और 3 नंबर गलती से लिख गए तो उनको हटा दीजिए और करेक्ट वैल्यू जो है उनको जोड़ दीजिए, और नंबर कितने हैं 20, तो अगर हम इसको सोल्व करें 8 और 4 12, 12 में से हो गया 3, 303 आ गया ये, और इसको 20 से डिवाइड करें तो आपका 15.15 आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया, जो गलती है उसको हटा दो, जो ठीक है वो ठीक कर दो, आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है नेचुरल नंबर का, तो वैसे तो फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला होता है भी आंसर आ जाएगा, लेकिन याद ना रहे तो क्या करेंगे, वैसे मैंने क्लासेस के अंदर लिखवाता हूँ ये सारी चीजें, तो एन नेचुरल नंबर एज्यूम कर लो कोई भी, ठीक है, मान लीजिए 1, 2, 3, ये आपने एज्यूम कर लिया, कितने नंबर एज्यूम किए, मीन कितना आएगा इनका 2, मीन 2 आएगा, तो -101 हो जाएगा, इनका स्केयर 101 हो जाएगा, और ये क्यों हो जाएगा 2, और 2/3 ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 3 पुट करके ये देखो आंसर कहाँ से आ रहा है, 3 पुट करके ये आंसर आपका सिर्फ यहाँ से आएगा और कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, और वैसे तो ये फॉर्मूला ही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, और वरना पुट करो, पुट करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है ये वेरियंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5, ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2, अगर वेरियंस को, वेरियंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है स्केयर का, अगर डाटा जो है ऑब्जर्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वेरियंस कितने से मल्टीप्लाई होगा 4 से, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20, तो वेरियंस कितना हो गया 20। और ये है लास्ट क्वेश्चन आपका, मीन ऑफ 5 नंबर इज 30, 5 नंबर का जो मीन है वो 30 है, ठीक है, 1 नंबर एक्सक्लूड कर दे तो मीन हो जाएगा 28, तो 5 नंबर का तो एवरेज 30 है तो कितना हो गया 150, और 1 नंबर एक्सक्लूड कर दे नंबर है 4 और मीन हो गया 28, ये हो गया 112, तो नंबर कितना बचा वो 38 जो है वो नंबर होगा आपका, तो ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इनके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो किसके ऊपर आता है, या तो इफेक्ट के ऊपर आता है, ओरिजिन का, सेल का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मीन के ऊपर, मीडियन के ऊपर, मोड के ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन पे, वेरिएंस पे, या कंबाइंड मीन का क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन है, इनको एक अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, काफी जो हेल्प यहाँ से है जो आपको मिलने वाली है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के।